नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं 2030 और 2050 आईसी के बारे में पूरा सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि आईसी किस तरीके से वर्क करती है और इसका सर्किट डायग्राम आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं बताऊँगा आपको TDA 2030 और फिर बताऊँगा TDA 2050। इन दोनों आईसीओ के सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा और इसमें किस तरीके से चेंजिंग करते हैं जो हमारी आवाज़ की क्वालिटी बढ़ती और घटती है, तो वो मैं पूरा आपको इस बोर्ड के हिसाब से दिखाऊंगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए, ये हमारी आईसी हो गई। इस आईसी की हमारी 5 पिन हो गई। ये हमारी 5 पिन है। तो ये पहली पिन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये हमारी 5 पिन हो गई। और इसी को हम 2030 और इसी को हम 2050 मान लेते हैं क्योंकि दोनों आईसी सेम होती है। ये 35 वाट की आईसी होती है और ये वाली आईसी जो होती है ये 12 वाट की आईसी होती है। तो ये 12 वाट की आईसी और ये 35 वाट की आईसी। तो अब मैं इन्हीं में से ही आपको दोनों सर्किट आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। और देखिए, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये जो सर्कल है ये हमारा ग्राउंड है। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा जो आईसी है। तो अब देखिए, मैं आप इस सर्किट में से देख के आपको पूरा इसमें डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सर्किट बनाते किस तरीके से हैं। तो देखिए, हम पहली पिन पर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए, आप जो सर्किट को ध्यान से देखिए, देखिए इसमें जो ये पहली पिन है, देखिए इसके अंदर ये जो पहली पिन आ रही है, ये वाली पिन। तो देखिए, पहली पिन पे पहले एक फ़िल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर कौन सा लगा हुआ है इसमें? पहली पिन पे यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। फिल्टर हमारा माइनस पॉइंट इधर है फिल्टर का, ये देखिए माइनस पॉइंट जो है इनपुट पे है और प्लस पॉइंट जो है वो इधर है। और फिल्टर लगा हुआ है इसमें 2.2 UF और वोल्टेज जो है आप इसके अंदर 63 वोल्ट का लगाया हुआ है, लेकिन आप 50 वोल्ट तक का लगा सकते हैं, 50 या 25 वोल्ट का लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें कुछ ही चेंजिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। देखिए, पहले इसमें ये फ़िल्टर लगाया गया है। फिल्टर लगाने के बाद क्या हुआ है, ये पहले पिन पे इनपुट चली गई है, लेकिन इसी पिन पे से एक रेजिस्टेंस लगा दी गई है 10K। और ये सर्कल जो मैंने आपको बताया है, ये हमारा ग्राउंड है। तो इसमें रजिस्टेंस लगा दी है 10K। देखिए, 10K रजिस्टेंस, ये 10K रजिस्टेंस इसलिए लगाई है। और ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हमारा इनपुट है। तो देखिए, 10K रेजिस्टेंस लगा दी गई है और ये हमारा इनपुट हो गया। तो हमारी एक पिन हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों, मैं आपको इसी तरीके से बना के दिखाता रहूँगा। और यहाँ पर कंडेंसर लगा है 2.2 UF 25 वोल्ट। तो देखिए, अगर 2030 आईसी है तो आप 2.2 UF 25 वोल्ट लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आवाज़ जो है हल्की सी थोड़ी मोटी चाहिए, तो आप इस पर 4.7 UF 25 वोल्ट का कंडेंसर लगा सकते हैं। तो आप 2.2 UF या 4.4 UF कंडेंसर लगा सकते हैं इस वाली पहली वाली पिन पे। 10K आपको ग्राउंड करनी है। और आप ये याद रखें कि 10K रेजिस्टेंस आपको ग्राउंड इसलिए करनी है क्योंकि ये जो ऑडियो जो होती है हमारी, उसके अंदर नॉइस ना आए, जो मतलब हमिंग वगैरह होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए 10K का यूज करते हैं। तो देखिए, फिर आ जाते हैं हम अपनी दूसरी पिन पे। तो दूसरी पिन जो होती है हमारी, वो होती है इन्वर्टिंग पिन। इन्वर्टिंग पिन जो होती है वो हमारी, उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, इसमें किस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ये ग्राउंड बता रखा है मैंने। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड पर देखिए, यहाँ पर कंडेंसर लगा रखा है, ये कंडेंसर लगा रखा है 2250। तो देखिए, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, ये इसका माइनस पॉइंट है
ये इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है 22 UF 50 वोल्ट, तो यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है 22 UF 50 वोल्ट। तो दोस्तों मैं अभी आपको पूरी वायरिंग दिखा रहा हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि आपको 20-50 और 20-30 में क्या चेंजिंग करनी है। तो मैं आपको अभी इसी तरीके से ही बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब ये यहाँ पर पिन गया, तो आप जो है ना कोई भी बोर्ड उठा के सर्किट आप बड़े आराम से देख सकते हो कि सर्किट वो किस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए फिर इसमें ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर सीधा जा रहा है हमारी इस वक्त दूसरी वाली पिन पे, और दूसरी वाली पिन पे फिर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 470 ओम, यहाँ 470 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, 470 ओम की यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। तो दोस्तों हमारी ये दूसरी पिन भी अपनी पूरी तरह कनेक्ट हो गई है। अब बची हमारी तीसरी पिन, देखिए तीसरी पिन ये यहाँ आ रही है, यहाँ से फिर एक जम्फर लगा हुआ है, ये देखिए ये जो जम्फर लगा हुआ है, और ये पिन सीधी यहाँ आ रही है, और यहाँ से जब हम ध्यान देंगे तो ये कंडेंसर पर जा रही है। तो ये देखिए कंडेंसर का माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको तीसरी पिन पे क्या देनी है, 12 वोल्ट माइनस, यहाँ पर माइनस देनी है। तो इसके अंदर आपका ट्रांसफार्म कौन सा यूज होगा, 12 0 12। तो इसमें क्या होगा, एक 12 हमारी माइनस होती है, एक 12 हमारी प्लस होती है। तो 12 माइनस यहाँ आ जाएगी, 0 वाला ग्राउंड हमारा यहाँ आ जाएगा, और 12 प्लस जो है वो हमारी वो यहाँ आ जाएगी। तो ये जो हमारी लास्ट वाली जो पिन है ये है 12 प्लस, ये पॉजिटिव पॉइंट है, और ये हमारी माइनस 12 है, और ग्राउंड मैंने आपको ये सर्कल में बना के दिखा दिया है। तो ये ट्रांसफार्मर के हमारे तीनों कनेक्शन हो गए। तो देखिए हमारी ये दो पिनें पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब बची हमारी चौथी पिन, चौथी पिन हमारी क्या होती है, ये देखिए ये हमारी चौथी पिन है। तो चौथी पिन के अंदर क्या होता है, हमारा स्पीकर कनेक्ट होता है। तो एक स्पीकर कनेक्ट होता है, ये होता है हमारा स्पीकर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्पीकर, ये हमारा स्पीकर हो गया। तो स्पीकर में किस तरीके से सर्किट बना हुआ है, देखिए 3.3 ओम और 104 PF। तो स्पीकर हमारा कनेक्ट भी, अब हमारा स्पीकर का एक पॉइंट ग्राउंड से चला गया, एक पॉइंट यहाँ से आ गया, और ये हो गया हमारा स्पीकर। तो स्पीकर जब हमारा ये कनेक्ट हो गया, स्पीकर की वायर एक ग्राउंड से चली गई और एक इस वाले वोल्ट से आ गई। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे फिल्ट्रेशन के लिए, एक रेजिस्टेंस और एक लगेगा हमारा यहाँ PF, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गई हमारी 3.3 ओम, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गई हमारी। ये PF जो है हमारा, PF दोस्तों हमेशा याद रखें कि अगर सप्लाई के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए कोई भी PF लगाना है तो सिर्फ 104 ही लगता है, 104 लगता है, और 224 भी लगा सकते हैं आप, 224 PF और 104 PF लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा PF लग चुका है, 104 या 224 आप PF लगा सकते हैं, लेकिन 104 ही लगाएं अगर आपको 104, क्योंकि 104 आपको जो हर सर्किट में मिल जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें 22 के ग्राउंड कर रखी है, देखिए अब 22 के ग्राउंड किससे कर रखी है, हमारी जो क्या कहते हैं एक दूसरे नंबर की जो पिन है, और एक हमारी जो आउटपुट है स्पीकर की, एक ये दूसरे नंबर की पिन, ये देखिए दूसरे नंबर की पिन पे जो प्रिंट जा रहा है, एक जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी 470 ओम, यहाँ पर एक हमारी ये जो स्पीकर की आउटपुट है, स्पीकर की आउटपुट जो हमारी चौथी पिन है, तो इस पर एक 22 के रेजिस्टेंस लगा दी गई है। तो एक इधर और एक हमारा चौथी पिन से एक रेजिस्टेंस लग जाती है, रेजिस्टेंस हो गई हमारी 22 के। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमारी 22 के लग गई है, और अगर ये 22 के जो रेजिस्टेंस लगाई है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी में थोड़ी चेंजिंग चाहिए तो अब यहाँ पर आप 47 के लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए आपका जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर बताता हूँ कि ये देखिए जो 12 प्लस और 12 माइनस की जो सप्लाई जाएगी,
इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक पीएफ को कनेक्ट करना है 104 कनेक्ट करना है ग्राउंड से प्लस वोल्ट पे। फिर आ गया हमारा ये माइनस वोल्ट, इस माइनस वोल्ट पे और ग्राउंड से लेकर फिर दोबारा हमें एक पीएफ कनेक्ट करना है, यहाँ पर भी 104 करना है। ये 104 माइनस से ग्राउंड और प्लस से ग्राउंड इसलिए करते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो फिल्ट्रेशन रहे और सप्लाई हमारी बढ़िया रहे, इसलिए ये 104 पीएफ कनेक्ट करा जाता है। तो देखिए इस सर्किट में ये देखिए 104 पीएफ ये सप्लाई पे कनेक्ट करा गया है। ये देखिए ये 104 पीएफ फिल्ट्रेशन के लिए लगाते हैं जिससे कि हमारी जो ऑडियो की फिल्ट्रेशन है वो सही रहे। तो दोस्तों आप जो है पहले सर्किट को ध्यान से देखें वो किस तरीके से बना हुआ है, बनने के बाद वो सर्किट फिर हमें पता लग जाता है कि हाँ ये सर्किट इस तरीके से बना हुआ है। तो अब देखिए अब मैं क्या बताता हूँ, देखिए 20-30 आईसी लगी हुई है तो आपकी यही सामान रहेगी, और जब आपकी 20-50 आईसी हो जाएगी तो 20-50 आईसी पे 22 के की जगह 47 के लगा देना, और ये 22 यूएफ जो है इसकी जगह पर आपको हो जाएगा 47 यूएफ 50 वोल्ट। अगर आपकी 20-50 आईसी लगी हुई है, देखिए अगर आपकी 20-30 आईसी लगी हुई है तो आपकी यहाँ पर 22 के लगी हुई है, और अगर आपकी 20-50 आईसी लगी हुई है तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 20-30 आईसी जो है 22 के लगा के और 22 यूएफ का 50 वोल्ट का ये कंडेंसर लगाना है यहाँ पर, और अगर आपका 20-50 आईसी है तो यहाँ पर 47 की आ जाएगी और यहाँ पर 47 यूएफ 50 वोल्ट का कंडेंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये सर्किट बना के दिखा दिया है पूरा, अब आप जो है इस सर्किट को पूरे बड़े आराम से बना सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया है कि 2.2 यूएफ 25 वोल्ट का कंडेंसर या 4.7 यूएफ 25 वोल्ट का कंडेंसर इनपुट पर लगा सकते हैं, और आपका स्पीकर की आउटपुट भी बता दी है। तो इसी तरीके से हमारा सर्किट बनता है, आप जो है कोई भी बोर्ड उठा के अगर उसको सर्किट को उठा के देख लेंगे और सर्किट आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि किस तरीके से हमारा सर्किट बनता है। तो देखिए दोस्तों अब आपको मैंने 20-30 और 20-50 आईसी दोनों के बारे में बता दिया है। अगर दोस्तों मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, और अगर आपको कोई भी सवाल इन आईसीओ के बारे में मेरे से पूछना है कि ट्रांसफार्मर कौन सा लगना चाहिए, इसमें जो मैंने एम्पियर नहीं बताए हैं तो इसमें एम्पियर जो है आप 3 एम्पियर तक लगा सकते हैं, ये 3 एम्पियर आप जो है ये यूज कर सकते हैं 1 से लेकर 3 एम्पियर तक। अगर आपकी एक आईसी है तो आप 1 एम्पियर यूज कर सकते हैं, और अगर 2 या 3 आईसी है तो 3 एम्पियर यूज कर सकते हैं। तो 20-30 और 20-50 में यही फ़र्क है, एक तो इसकी 20-50 की वाट ज़्यादा होती है, अगर वाट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 47 के और 47 यूएफ का कंडेंसर लगाएं, और 20-30 आईसी है तो 22 के और 22 यूएफ का कंडेंसर लगाएं। और दूसरा आपको जिस तरीके की आवाज़ चाहिए तो आप कंडेंसर चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है या आवाज़ फट रही है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देना, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आप अपने ये ग्राउंड पे नहीं है रेजिस्टेंस, ये खाली आपकी इनपुट पे आएगी, ये हमारी इनपुट हो जाएगी, अगर इस पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो रेजिस्टेंस जो है आप इसमें 1K से लेकर और आप इसमें 22K तक लगा सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से ऑडियो की आवाज़ चाहिए आउटपुट पे स्पीकर पे तो उस हिसाब से आप इस पर कंडेंसर के बाद एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आपको इनपुट देनी है, ये आपको ग्राउंड से नहीं लगानी है, ये खाली इनपुट देनी है। और अगर आपको इस फिल्टर पे इनपुट देने से आवाज़ अच्छी मिल रही है तो आप रेजिस्टेंस का यूज ना करें, और अगर आपको आवाज़ ज़्यादा लग रही है तो एक रेजिस्टेंस का यूज कर लें 1K से लेकर 22K तक। तो दोस्तों मैंने आपको ये सर्किट डायग्राम बना के दिखा दिया है, और अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं।